नगर के समीप खेड़ी मंडल खां में एक गौ हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति कुछ लड़कों के साथ घर के पीछे कुछ धारदार हथियार से काट रहा था। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो 5 से 6 व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर काटते हुए मिले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने घेराबंदी की तो उन लोगों ने दौड़ लगा दी। इस दौरान एक आरोपी पकड़ा गया जिसने अपना नाम सलीम पिता वजीर खान निवासी खेड़ी मंडल खां उम्र 65 साल बताया। मौके पर गौवंश के कटे हुए टुकड़े पाए गए और हथियार भी बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सरपंच वहीद भी मौके पर था। अपना जुर्म कबूलते हुए कुछ अन्य नाम भी बताए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं अन्य आरोपी फरार हो गए जिसकी तलाश की जा रही है। इंधर थाने के बाहर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने घटना का जमकर विरोध किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अंगों को जब्त कर लिया है। सुजालपुर सिटी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक ने बताया कि जिस हथियार से गाय को काट रहा था उसे जब्त कर लिया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। वंदे भारत से धर्मेंद्र बमानिया की रिपोर्ट। बजरंग दल मैं दिनेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गोरक्षा प्रमुख। क्या मामले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता सिटी थाने पर आए हैं। खेड़ी मंडल का में जो गाय को काटा है 8-10 लोगों ने मिलकर उसमें हम थाने पर एफआईआर करने आए हैं। हम प्रशासन से यही कहते हैं कि जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उन लोगों के घर पर कार्रवाई हो ताकि वो हत्या के ऊपर जो भी होता है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनके साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है आज इनने और बाकी कुछ लोग इधर उधर फरार है। इनके साथ में कुछ हथियार भी मिले हैं और गो मांस भी मिला। अभी गो मांस वर्तमान में कहाँ है? गो मांस खाने पर जबते हैं। एक व्यक्ति को भी पकड़ लिया, बाकी कुछ लोग साथ में फरार है। तो थाना प्रभारी की तरफ से कोई थाना प्रभारी जी की तरफ से बिल्कुल ये किया है, आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो एक व्यक्ति को पकड़ लिया है, बाकी 7 के ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे और पकड़ेंगे और जितना भी हो सकेगा जो धारा लगी उस धारा के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लोगों के ऊपर डाकुओं की कार्रवाई करती है और ऐसे लोगों के मकान चिन्हित करके तोड़े जाए जैसा शब्द हो रहा है, जिससे कि शहर में जो ये माहौल बिगाड़ने वाला कार्य हो रहा है ऐसा ना हो। गाय हमारी माता है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सर, जो अभी जो मामला आया है खेड़ी मंडल का था, इसमें आपका क्या कहना है? जो गौ तस्कर मुखलू से सुजन ग्राम खेड़ी मंडल था में कोई अभी गोवंश का मतलब काट रहा था, हमने तत्काल हमारे यहाँ की होने वाले खरीदी थी और जाकर के मौके पर से पकड़ हुआ गोवंश और एक सजन का पिता वजीर खान करा है और कैसा करना चाहिए। आगे के लिए क्या कार्रवाई अपने थाने की तरफ से? जो भी आरोपी से उनको पकड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा। जो वर्तमान में रंगे हाथों पकड़ाए गए तो मांस वगैरह सब बरामद हो गया? बरामद हो गया, डॉक्टर से उसको चेक करवा लिया।